चतुर्वेदी जी और उनके साथी सभी लोग लोगों ने कोशिश की और श्वेता मैम है यहाँ पे। श्वेता मैम गई थी पीएमओ में, पीएमओ ऑफिस में चतुर्वेदी जी के साथ, रितेश चतुर्वेदी जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर एक ये एप्लीकेशन दी गई है, हमारी जो डिमांड है उसकी रिगार्डिंग पीएमओ ऑफिस में श्वेता मैम के द्वारा जा कर के डायरेक्टली वहाँ पर ये सूचना दी गई। और श्वेता मैम आपको बताएंगी कि ये प्रक्रिया में उन्होंने किस तरीके से काम किया। हम लोग जो है 3-4 लोगों का टीम बना के गए थे, लेकिन पीएमओ पहुंचने से पहले ही हमें थोड़ा सा रोक दिया गया। वहाँ पे बोला गया कि सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। इसके लिए मैं गई वहाँ पे अपना आईडी लेकर के, और वहाँ काफ़ी फ्रिस्किंग थी। 2-3 बार जो है लेटर को चेक किया गया कि क्या एप्लीकेशन देना है, और उसके बाद उन्होंने साउथ ब्लॉक से होते हुए लेफ्ट में पीएमओ में वहाँ पे गई और उधर उन्होंने एप्लीकेशन लिया। हमारे पास 2 कॉपीज थी, ठीक है, और उन्होंने मतलब एप्लीकेशन की 2 कॉपीज ली। और उसके करीब करीब आधे घंटे बाद मतलब दोबारा से मैंने जब चेक किया तो फिर उसका रिसीविंग आ गया, और वो रिसीविंग लेकर के मैं आ गई। रितेश चतुर्वेदी जी हैं, वो आपको बताएंगे। नहीं कुछ नहीं, बस हम गए और रिसीविंग लेके आए मैडम वही के अंदर। बाकी हम चारों को तो बाहर ही रोक दिया गया था बस। और मैम बता रही हैं कि सब वहाँ पूछ रहे थे कि कहाँ क्या भूख हड़ताल चल रही है, और ऑब्वियस है आपको एंट्रिंग होगी डायरेक्ट पीएमओ से यहाँ की, क्योंकि तो कितने लोग गैदर कर रहे हैं यहाँ से, पूरा रिपोर्ट जाया करेगा। तो सबसे वही रिक्वेस्ट है कि सब लोग आए यहाँ पे, मतलब उनको भी नंबर पता चले, एड्रेस भी लिखा है उन्होंने अलग से नोट करके, और पूरा इशू भी जाना स्वाभाविक है। अब कितनी गैदरिंग होगी डेली, वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बगल में हम लोग डेली वो हमसे रिपोर्ट लेंगे। तो वही सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पे सपोर्ट करें। और आगे का रितेश जी, आप जो 23 मार्च के लिए कुछ कहना चाह रहे थे या फिर उससे पहले जो आपका एक वक्तव्य है वो जरा शेयर करिए, किस तरीके से हम इस प्रोटेस्ट को में एक बड़े मतलब लीडर्स को बुला सकते हैं और उनकी क्या भूमिका हो सकती है आपकी नज़र में। देखिए बड़े लीडर्स तो कभी आएंगे, जब यहाँ हम ही लोग नहीं होंगे तो बड़े लीडर्स आएंगे नहीं। सबको मास्क चाहिए, पहले हम खुद अपने लोग इकट्ठा हों, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 100 लोग यहाँ हों। फिर NSPA प्रेसिडेंट को शायद खिलाने का बता रहे हैं आप, लेकिन पहले तो जितने हम सब लोग हैं तब इकट्ठा हों, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। उसके बिना तो कुछ मैम आप बताइए कुछ। हम लोग सब 4 टीम बना कर वहाँ गए थे पीएमओ ऑफिस, एंड वहाँ पे हमारी श्वेता मैम ने जैसे आपको बताया, उन्होंने हमारे को हमारी जो एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट करा और हमें रिसीविंग दी। वहाँ हमने पूरा हमारी जो ये प्रोटेस्ट साइट है उसका एड्रेस बताया, उन्होंने सारी हमसे जानकारी मिली। रिटर्न में हमने वहाँ पे सबमिट करा है यहाँ का एड्रेस, उन्होंने हमें रिटर्न में रिसीविंग दी हमारी एप्लीकेशन में। तो आगे की रणनीति यही रहेगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिससे हमारी ये जो प्रोटेस्ट है एक सक्सेसफुल मोड़ ले ले। अब क्योंकि अब हमने वहाँ एड्रेस भी दिया है और रिटर्न में भी हमने सबमिशन करा है, तो जहाँ तक हमें लगता है कि अब वहाँ से मॉनिटरिंग होगी, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा अमाउंट में, जितने ज़्यादा नंबर्स में आप यहाँ आ सकते हैं आइए, सो दैट वहाँ पॉजिटिव मैसेज आए और उन्हें एक्चुअल में लगे कि ये यहाँ पे स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं और उनका जेन्युइन कॉज है। तो इसी हम लोग एकजुट होकर ही अपनी आवाज़ को पीएमओ ऑफिस और पीएम तक पहुँचा सकते हैं। तो मेरी आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा हो सके आइए, और जितना ज़्यादा समय आप लोग यहाँ बिता सकते हैं बिताइए। धन्यवाद। ठीक है साथियों, ये आज का प्रक्रिया रहा, और एक दूसरी टीम भी जा चुकी है, ग्राउंड पर है वो, और सेंट्रल सेक्रेटरिएट की तरफ जा चुकी है। करीब उसमें 1 घंटा उन लोगों को करीब हो चुका है, तो वो टीम भी ग्राउंड पर है, वर्क कर रही है। और इस वक्त आप लोग जो भी ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट कीजिए। नंबर फिर से नोट कर सकते हैं, 9873456635। फ़ोन पे या जीपे इस पर कर सकते हैं फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए। अकाउंट नंबर शेयर कर सकते हैं, 3981859460, 3981859460। और इसमें IFSC कोड है SBIN4×0647, SBIN4×0647। और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते रहिए ताकि और इस काम को और तेज़ी से बढ़ाया जा सके।
और कोशिश करेंगे आने वाली जो 23 मार्च है इसमें हम कोशिश करेंगे, जो NSI प्रेसिडेंट है उनसे हमारी लगातार बात हो रही है और उनको हम बुलाने की सोच रहे हैं, उनके साथ और भी जो पूरा NSI का टीम है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा ऐसा उन्होंने कहा कल की डेट में, और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि अन्य लीडर्स को भी यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, और जो MP हैं कांग्रेस की तरफ से ही उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, कोई साथीगण है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं 23 मार्च को, उनके अलावा भी और कोशिश कर रहे हैं कि और सभी लीडर्स को यहाँ पर हम बुला सकें और अपने डिमांड का हिस्सा उन्हें बना सकें ताकि केंद्र सरकार से जस्टिस दिलाने में इन सभी की कारगर भूमिका साबित हो। धन्यवाद।